हमारे देश में हर राजनेता सत्ता की खातिर चुनाव प्रचार के अभियान, भ्रष्टाचार और युवाओं को रोजगार देने की बात करता है और महंगाई को नियंत्रित करने के लंबे चौड़े वादे करता है, लेकिन चुनाव जीतने और सत्ता पर काबिज होने के बाद अक्सर देखने में आया है कि वे राजनेता और उनकी पार्टियां धन लोलुपता में लिप्त हो जाती हैं और एन केन प्रक्रिया जिस जनता ने उनको वोट देकर सत्ता का स्वाद चखने को दिया उस जनता की परवाह किए बिना धन को लूटने खसोटने में लग जाते हैं और युवाओं, बेरोजगारों, गरीबों की कोई सुध नहीं लेते बल्कि पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। भ्रष्टाचार का इतिहास हमारे देश में बहुत पुराना है। हमारे देश की कमोबेश सभी राजनीतिक दलों ने जिन्होंने सत्ता का स्वाद चखा उनके कार्यकाल में तरह तरह के भ्रष्टाचार होते रहे हैं और अक्सर ये भी देखने में आया है कि सत्ताधारी दल अपने चहेते राजनेताओं, उद्योगपतियों और व्यापारियों को अन्यथा लाभ पहुंचाने में भी लगे रहे हैं, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल इन गंभीर समस्याओं का पुख्ता समाधान आज तक नहीं कर सका, या यूं कह लें कि किसी भी राजनीतिक दल में यह साहस नहीं हुआ कि वे भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने का साहस जुटा सकें, या यूं कह लें कि राजनीतिक दल और सत्ता में बैठे लोग भ्रष्टाचार को खुद बढ़ावा देते हैं। इसका जीता जागता मिसाल यह है कि करीब करीब सभी राजनीतिक दलों के शासनकाल में बड़े बड़े भ्रष्टाचार सामने आए हैं। कोई राजनीतिक दल भ्रष्टाचारियों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकारी धन को लूटने खसूटने की खुली छूट उन लोगों को दे देता है जिन्होंने उनको सत्ता में आने के लिए मदद की है, या कोई व्यापारी वर्ग को सरकारी धन लूटने के लिए बैंक के सस्ते लोन मुहैया करा देता है। यह भी एक तरह का भ्रष्टाचार है। कई बार देखने में ये आया है कि सत्ताधारी दल अपने चहेतों को सस्ती दरों पे ज़मीनें मुहैया करा देते हैं और उन ज़मीनों पर वे सत्ता को सहयोग करने वाले बिल्डर माफिया बड़ी बड़ी कॉलोनियां बनाकर करोड़ों रुपए जनता से वसूलते हैं और अंधी कमाई करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब राजनीतिक दल और उसमें भ्रष्टाचार में लिप्त लोग सब एक दूसरे के सहयोगी रहेंगे तो जनता की सुध कौन लेगा। इन सब चीज़ों के बीच में अगर गौर से देखा जाए तो इन सारी समस्याओं की जड़ में हमारे देश की न्याय व्यवस्था और चुनाव प्रक्रिया भी ज़्यादातर जिम्मेदार साबित होती दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से हमारे यहाँ की न्यायपालिका फैसले देने में बहुत ज़्यादा देरी करती है उससे अपराधी छवि के लोगों को बहुत ज़्यादा छूट मिलती है और वे सत्ता का दुरुपयोग करते हुए कानून से खिलवाड़ करते रहते हैं। इसी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति अपनी ऊंची पहुंच और धन के बल पर कोर्ट कचहरी के चक्कर में कानूनी दांव पेच में सत्ता का इस्तेमाल करता है और अपने आप को बचा ले जाने में कामयाब होता है। इन सब समस्याओं के समाधान के पीछे अगर ईमानदारी से देखा जाए तो हमारे यहाँ की चुनाव प्रक्रिया जिम्मेदार है, क्योंकि हमारे यहाँ की चुनाव प्रक्रिया बहुत ज़्यादा महंगी खर्चीली है, जिसके तहत चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति, वो चाहे नगर निगम का चुनाव लड़े, विधायक का चुनाव लड़े या लोकसभा राज्यसभा का चुनाव, इन चुनावों में करोड़ों रुपए उसको खर्च करने होते हैं मतदाताओं तक पहुंचने के लिए। उस पैसे का इंतज़ाम वो चुनाव लड़ने वाला नेता सत्ताधारी दलों से, उनके सहयोगी व्यापारियों से, माफियाओं से और धन लोलुप व्यक्तियों से लेता है। जाहिर सी बात है, जो व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए करोड़ों रुपए किसी से उधार लेगा, कर्ज में लेगा या मदद लेगा, वो चुनाव जीतने के बाद उस पैसे की भरपाई करेगा, ना कि जनता के हित के कार्य करेगा, ना ही विकास कार्यों में सरकारी धन को लगाएगा। वो तो
किसी भी तरह से सरकारी धन को लूटने में दिन रात एक करेगा और वही हमारे राजनेता करते चले आ रहे हैं। इन सब पर लगाम कसने के लिए चुनाव आयोग को एक ट्रांसपेरेंट पारदर्शी नीति बनानी होगी जिसको सख्ती से लागू किया जाए और उस पर न्यायपालिका को भी कड़ी निगाह रखनी होगी। इसी तरह से हमारे देश के जो मीडिया घराने हैं और बड़े समाचार पत्र समूह, उनको भी जनता के हित में इस तरह की चीज़ों को उजागर करना होगा। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज के मीडिया घराने और समाचार पत्र समूह भी धन की लालच में अपने पद को बढ़ाने के लिए, अपने व्यापार को चमकाने के लिए राजनेताओं, विपक्षी दलों और सत्ताधारी पार्टियों के मुखौटे बनकर सामने आ रहे हैं, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें इस तरह के मीडिया घरानों को भी बेनकाब करने की आवश्यकता है ताकि समाज को सही रूप से विकसित और विकासशील बनाया जा सके। इस दिशा में युवाओं को आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए ताकि इस तरह के मीडिया घराने राजनेताओं, व्यापारियों और भ्रष्ट आचरण करने वाले लोगों पर लगाम कसी जा सके। जय हिंद, जय भारत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर आजकल दिल्ली की जनता खासी नाराज दिखाई दे रही है। दिल्ली की जनता से चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा करने में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहे हैं। दिल्ली के कोने कोने से आवाज़ उठ रही है केजरीवाल के खिलाफ। केजरीवाल को लोग ललकार रहे हैं कि हमसे किए गए वादों को क्यों नहीं पूरा किया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 70 में से 67 सीटें जिताकर सत्ता में पहुंचाने वाली जनता दिल्ली के कमोबेश हर कोने से उन्हें ललकार रही है कि वे अगर नैतिकता रखते हैं तो जनता से किए गए वादों को पूरा करें। मुख्यमंत्री केजरीवाल की सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि वे हर बात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराते हैं कि ये काम मोदी जी उन्हें नहीं करने दे रहे, ये विकास कार्य में मोदी जी अड़ंगा लगा रहे हैं, जबकि ऐसा कहना नाच ना आवे आंगन टेढ़ा वाली कहावत को चरितार्थ करना साबित होता है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री की हैसियत से जो अधिकार प्राप्त हैं उन अधिकारों को इस्तेमाल करते हुए मुख्यमंत्री चाहें तो दिल्ली की जनता को बहुत राहत पहुंचा सकते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ना तो DTC में अस्थाई कंडक्टर और ड्राइवरों को स्थायी किया, ना ही सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाली शिक्षिकाओं और शिक्षकों को स्थायी किया, और इसी तरह जल बोर्ड में और दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले विभिन्न विभागों में कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने का काम किया, ना ही युवाओं को रोजगार देने की दिशा में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोई मजबूत पहल की। इसी तरह से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आए दिन तरह तरह के बहाने बनाकर जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। रही बात पानी और बिजली के दामों में छूट देने की, तो उसमें भी उन्होंने कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं किया, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने चुनाव अभियान के दौरान कहा था कि बिजली की कंपनियों को ऑडिट किया जाएगा और ऑडिट करने के बाद जो वो अनाप शनाप बिजली के दाम बढ़ाती हैं उस पर नियंत्रण कसा जाएगा, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और जनता की गाढ़ी कमाई से आने वाले टैक्स के पैसे में से ही उन कंपनियों को पैसा दिया जाता है और जनता को सब्सिडी दी जाती है। ये कौन से कमाल की बात हुई। अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से नकारा मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं। आने वाले नगर निगम चुनाव में ये बात साबित हो जाएगी। अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने ईमानदारी से जनता की नब्ज को पकड़ा और जनता की सुध ली तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी को नगर निगम के चुनाव में कोई सफलता नहीं हासिल होगी। लेकिन अपनी हार से सबक
ना लेते हुए यदि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच अपना अभियान तेज नहीं किया और जनता की सुध नहीं ली तो इन नगर निगम के चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को भारी शिकस्त उठानी पड़ सकती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को लेकर जनता के बीच में इस बात को लेकर खासा रोष है, क्योंकि जनता ने अरविंद केजरीवाल को एक ईमानदार राजनेता समझकर इतने भारी बहुमत से विजयी बनाया। अब जनता का किसी और अरविंद केजरीवाल जैसे व्यक्ति पर विश्वास होना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए दूसरे राजनीतिक दलों के मुकाबले आम आदमी पार्टी के जो चरित्र उभर कर आया है उसको देखकर जनता में खासा रोष है। इसलिए अरविंद केजरीवाल से दूसरे राजनीतिक दलों के मुकाबले जनता खासी खिन्न है और समय रहते अरविंद केजरीवाल को अपनी गलतियों को सुधारना होगा और जनता द्वारा दिए गए अपार जन समर्थन को सही साबित करने की दिशा में कार्य करना चाहिए, नहीं तो उनको जनता के रोष का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से चुनाव प्रचार के दौरान लोगों का आह्वान किया था कि सबका साथ और सबका विकास के तहत वे गरीब से गरीब व्यक्ति का भी साथ देंगे और एक तरफा शासन नहीं करेंगे, लेकिन अभी 2 साल के शासनकाल को अगर देखा जाए तो उसमें कोई ऐसा बहुत बड़ा काम उनके द्वारा नहीं किया गया जिससे गरीब और मध्यम वर्ग को राहत मिलती हो। सरकारी कर्मचारी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसलों से नाराज हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसलों से सिर्फ अभिजात वर्ग को ही फायदा होता दिखाई दे रहा है, ऐसा विपक्षी दलों का उन पर आरोप है। लेकिन प्रधानमंत्री के खास सिपा सलार भारत के वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार द्वारा जो फैसले लिए जा रहे हैं उसके दूरगामी परिणाम अच्छे होंगे और धीरे धीरे हमारी GDP भी बढ़ेगी और युवाओं को रोज़गार मिलेंगे, आर्थिक स्थिति देश की मजबूती की ओर है। उनका कहना है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को नेतृत्व दिया है उस तरीके से आज़ाद भारत में किसी भी प्रधानमंत्री ने नेतृत्व क्षमता नहीं दिखाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी मंत्री या किसी भी व्यापारी या उद्योगपतियों के कोई भी दबाव में नहीं आते हैं, बल्कि राष्ट्र हित में मजबूती से निर्णय लेते हैं। अब रही बात 2 साल के शासनकाल की, तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास 3 वर्ष का कार्यकाल बाकी बचा हुआ है। अब 3 साल के इस कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहिए कि ऐसी कार्यप्रणाली अपनाएं जिससे त्वरित नतीजे सामने आए और बेरोजगारों को रोजगार, युवाओं को शिक्षा और बेघरों को घर नसीब हो सके, महंगाई दर में कमी आए और शिक्षा का वातावरण भी समान रूप से बने, फर्जी विश्वविद्यालयों पर नकेल कसी जा सके, लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ने के लिए सस्ती दरों पर लोन उपलब्ध कराए जा सके, छोटे छोटे उद्योगपतियों को स्किल इंडिया का लाभ दिया जा सके, स्किल इंडिया के तहत उद्यमियों को लोन देने की व्यवस्था को पारदर्शी और सरल बनाया जाए। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली दिन रात एक किए हुए हैं, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि बहुत जल्द युवाओं को रोजगार करने के लिए बैंकों से आर्थिक सहायता सुलभ हो और उनको सस्ती दरों पर लोन हासिल हो सके। इसके साथ ही बड़े बड़े औद्योगिक घरानों को उन उद्योगों में पैर पसारने की छूट नहीं दी जाए जो उद्योग स्किल इंडिया के तहत कुशलता प्राप्त करने वाले युवा अपनी फैक्ट्रियां लगा रहे हों। यदि ऐसा होता है तो बड़े बड़े औद्योगिक घराने छोटे स्किल कौशल हासिल करने वाले
उद्योगपतियों को खा जाएंगे। एक तरह से देखा जाए तो उन उद्योगपतियों को पनपने ही नहीं दिया जाएगा। ऐसे हालात में ज़रूरत इस बात की है कि ऐसी नीति बनाई जाए जो बड़े उद्योगपति और मझोले उद्योगपति और छोटे उद्योगपतियों के लिए अलग अलग हों, एक दूसरे के ये उद्योगपति सहायक साबित हों, ना कि इनका पोषण कर सके।